रेवाड़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रेवाड़ी में एक परिवार ने बधाई लेने आए किन्नरों को 15 लाख की जमीन दे दी। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल रेवाड़ी की सती कॉलोनी निवासी शमशेर सिंह के घर में कुछ दिन पहले पोते का जन्म हुआ था। पोते के जन्म को लेकर उन्होंने खूब खुशियां मनाई थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को शमशेर सिंह के घर किन्नर बधाई लेने पहुंचे। अन्य जगहों की तरह शमशेर सिंह के घर भी किन्नरों ने गाना गाया और डांस किया। लगभग 10 मिनट तक चले इस प्रोग्राम के बाद शमशेर सिंह ने गिफ्ट के तौर पर 100 गज का प्लॉट देने की घोषणा की। इस प्लॉट की कीमत 12 से 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस प्लॉट को देने के बाद शमशेर सिंह ने पूछा कि आप इस प्लॉट में क्या करेंगे, तो किन्नरों ने बताया कि वो यहाँ पशु बांधेंगे। इस पर शमशेर सिंह ने कहा कि भैंस भी चाहिए हो तो बता देना, वो भी दे देंगे। दादा, ये पोते के ये पापा हैं और ये दोनों जनी बुआ हैं और ये छोरे की मम्मी जी है ना, और ये सबसे बड़ी दादी माँ है और ये उनके पड़ोसी हैं। इनने मुझे अपनी खुश होके आज क्या तारीख है, 29 तारीख को इनके घर में नाचने आई, बधाई मांगने आई, तो मेरे जजमान ने राजी होके पोते की खुशी में, चाचा आपने क्या दिया? नहीं आप बताओ। नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने मुंह से बताओ। अच्छा, 100 गज का प्लाट दिया इनने, 100 गज का प्लाट खुश होके पोते के ऊपर निछावर करके किन्नरों को दान करा है। 100 गज का प्लाट को क्या करेगी? प्लाट में मैं गाय भैंस बांधूंगी। तो भैंस ही तो बता दे ना, भैंस नहीं चाहिए, मैं ले आऊंगी, है ना। वही पापा तुमने भी खुश होके दिया ना, और ये दोनों बुआ ने सहायता करी कि हाँ हमारे पापा प्लाट दे रहा, ले जाओ खुश होके। और वो दादी माँ है, वो मम्मी है, दिया ना बेटी आप सबने मिलके। और मैं इनको इतनी बधाइयां देती हूँ, इतनी बधाइयां देती हूँ कि मेरे मालिक इनका परिवार जुग जुग बसे और ऐसी कोठियां इनकी 20 कोठियां बने और जमीन भरे तुम्हारी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहे, मेरे जजमान ने मेरा पेट भरा है, मैं इनकी सदा भारी रहूंगी। वही बच्चे के पिता और दादी ने किन्नरों को प्लॉट देने को लेकर क्या कहा, सुनिए। जो आज आए थे किन्नर सुबह, तो उन्होंने जैसे प्लॉट उनको जैसे वहाँ चाहिए था, तो हमने उनको प्लॉट देना पसंद किया अपनी तरफ से। अच्छा, देखने में आता है कि जब घर में खुशी होती है तो किन्नर वहाँ बधाई लेने के लिए पूछते हैं और दुआएं भी देते हैं, और वो आपके यहाँ पर आए। लेकिन लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि जबरन पैसा मांगते हैं, लेकिन आपने स्वेच्छा से दिया, क्या आपने सोचा, क्या मन में आया? जैसे उनको समाज में और कुछ भी काम नहीं मिलता, उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो हमें ही उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो हमने अपनी इच्छा से उन्हें सपोर्ट करना जो सही लगा वो हमने कर। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो उन्हें उपकार देते हैं? नहीं, ये बहुत गलत है, इसे समाज में हमें सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं है हमारे सपोर्ट के अलावा, तो हमें ही उनका सपोर्ट करना चाहिए। पहले ही मन बनाया था इस तरीके का कि अगर इस तरीके से किन्नर आएंगे तो उन्हें प्लाट देंगे, या फिर इंस्टेंट ये मन में? नहीं, बस इंस्टेंट आया मन में, हमने दे दिया। आपके पोता हुआ है किन्नर, आए थे आपके यहाँ पर, तो ये कितने गज का प्लाट दिया है, और क्या पहले से मन बनाया होता इस तरीके का, या आज मन बना? नहीं, हमने सोचा था कि हमारे पोता होगा तो हम प्लॉट देंगे। ये आपने अपनी खुशी से दिया या खुशी से दिया? अपनी खुशी से दिया। कुछ लोगों के घर में जब वो जाते हैं तो लोग एतराज करते हैं, क्या क्या कहेंगे ऐसे लोगों के, उन्हें देना चाहिए खुशी से? देना चाहिए, इनको तो जरूर देना चाहिए। बता दें कि शमशेर सिंह पेशे से बड़े जमींदार हैं। उनकी पुश्तैनी जमीन शहर के आसपास काफी ज्यादा है। शमशेर सिंह के बेटे प्रवीण यादव पेशे से वकील हैं। रेवाड़ी से देशराज चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।